हाय, मैं हूं डॉक्टर नासिर हुसैन और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा नाइट फेल, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना और धात की प्रॉब्लम के बारे में। ये बहुत ज़्यादा बड़ी तो दिखने में समस्या नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या भी है। अगर आप ज़्यादातर नाइट फेल हो रहे हैं तो आप अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाएंगे, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे तब भी खुश नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं तीन बीमारियों के बारे में डिस्कस करूँगा। इनके लिए मैं आप लोगों को फ्री के कुछ ऐसे नुस्खे भी बताऊँगा जो बहुत आसान है, और लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसी दवा बताऊँगा जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आप लोगों ने उसका थोड़ा 30 से 60 दिन तक इस्तेमाल किया तो आपकी यह समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो नाइट फेल और जल्दी डिस्चार्ज हो जाने की समस्या होती है, यह क्यों होती है, यानी श्रीक पतन की समस्या क्यों पैदा होती है। इसके लिए मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं और फिर भी मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे आप यहाँ एक दो वीडियो देख रहे हैं, इनको जाके मेरे चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना और नाइट फेल की समस्या तब होती है जब जिरियान यानी धातु रोग की समस्या होती है। और धातु रोग क्यों होता है, इसके वैसे बहुत सारे कारण हैं, फिर भी मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में दो तीन बता देता हूँ। ये हमारे शरीर में ओवरहीटिंग से होती है। ओवरहीटिंग बहुत सारे तरीकों से होती है और ज़्यादातर लोगों में ये ओवर गर्मी, जहाँ ज़्यादा हीटिंग गर्मी रहती है, ज़्यादा तापमान रहता है, उसके कारण भी होती है। लंबे समय तक दवा खाने से भी ये हमारे शरीर में हीटिंग पैदा हो जाती है। इसके अलावा जो धातु रोग की समस्या होती है वो कब्ज, लंबे समय तक कब्ज के रहने से भी हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो लोग लॉन्ग टाइम तक यानी लंबे लंबे समय तक कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उस कारण भी ये धातु की समस्या पैदा हो जाती है। तो ये तो कुछ कारण मैंने आप लोगों को बताए हैं जो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि धात की समस्या क्यों होती है। जब धात की समस्या होती है तभी हमारी जो जल्दी डिस्चार्ज हो जाने या नाइट फेल की समस्या जो होती है ये उत्पन्न होती है। तो इन्हीं दो समस्याओं को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो करना, क्योंकि करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, नेक्स्ट टाइम आपके ही काम आने वाली मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। नाइट फेल और जल्दी डिस्चार्ज हो जाने की समस्या है तो आप लोगों को आज से ही चना और किशमिश भिगो कर सुबह खाने स्टार्ट कर देने चाहिए। इनका खाने का तरीका आप लोगों को कुछ इस तरीके से करना है, आपको एक मुट्ठी चना और किशमिश का इस्तेमाल करना है, जिसमें आप 15 से 20 किशमिश डाल दें। इनका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक गिलास दूध का इस्तेमाल करना होगा। इनके लिए आपको क्या करना है, चना और किशमिश जो है उसको आपको दूध में डालकर मिक्सी में बिल्कुल बारीक बना लेना है, जैसे जूस बनाना है। इसमें आप चाहें तो बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं, और इसमें आप थोड़ी शक्कर भी नहीं तो खांड या मिश्री डालकर आप इसमें थोड़ा मीठा, पहले से ही मीठा रहेगा और मीठा डाल के आप इसको सुबह खाली पेट पीना है। और इस रूटीन को आपको कंटिन्यू बना लेना है। इससे क्या होगा, जो आपके शरीर के अंदर कोई भी समस्या होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो धीरे धीरे बिल्कुल दूर होती चली जाएगी। इन बीमारियों को दूर करने के लिए आपको दूसरा तरीका यह है, आपको सुबह में खाली पेट दो मौसमी खानी है। ये रोटेशन आप लोगों को डेली बना लेना है, खाली पेट दो मौसमी एवरीडे खाना है, लगातार कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि आपने एक महीना खाए, दो महीने खाए, क्योंकि ये आज देसी नुस्खा है और इसमें आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक इनको इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आपकी इन समस्याओं को ही दूर नहीं करेंगी। मौसमी के अंदर कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है, और जब कैल्शियम की कमी पूरी होगी तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली ताकत आएगी, तो हमारी ये दोनों समस्या भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस हमदर्द कंपनी की कुर्स जिरियान, ये दवा आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, इसके बारे में। और पहले मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये सिर्फ 50 रुपये की दवा है, और इसको आपको खाना भी बहुत ही आसान है। और इसमें जो जो साल्ट है इनकी मैं अगर बात करूं तो ये इसमें अजवाइन, कुर्सानी है और